हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये हम लोग का आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड है और साथ साथ इसमें हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और आर्हेनियस इक्वेशन का जो लॉन्ग फॉर्म होता है और साथ साथ जितनी भी बातें जो होंगी, जो कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी, उन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। तो समझते हैं कि क्या है आर्हेनियस इक्वेशन और वो आखिर उसका हम लोग को ज़रूरत क्यों है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से कि रेट ऑफ रिएक्शन पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना था। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट, तो इसको दो तरीके से देखा गया है। एक अप्रॉक्स चेंज देखा गया है, ओके, और एक होता है एक्यूरेट यानी डिफिनिट चेंज। अप्रॉक्स चेंज मतलब कि टेम्परेचर के चेंज होने से अप्रॉक्सीमेटली कितना चेंज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, उसकी बात की जाती है। और दूसरा होता है डिफिनिट चेंज, कि मतलब एक्यूरेट कि कितना चेंज हुआ टेम्परेचर तो कितना रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा एक्यूरेट फॉर्म में। ओके, इसकी बात की जाती है। तो आइए हम लोग अप्रॉक्स चेंज की बात करें। पहले तो अप्रॉक्स चेंज की बात कर लें, उसके बाद फिर हम लोग डिफिनिट चेंज की बात करेंगे। तो देखिए अप्रॉक्स चेंज में क्या है। अप्रॉक्स चेंज में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसके हेल्प से हम लोग अप्रॉक्स चेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए उसको समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है और आखिर इसका ज़रूरत कैसे पड़ा और इसका यूज हम लोग कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले अप्रॉक्स चेंज में लिखें, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्लियर है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर सो देयर कोलिजन ऑल्सो इंक्रीजेज। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ 2 और 3 फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, समझना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मान लो ये दो मॉलिक्यूल हैं, यहां दो मॉलिक्यूल हो गए। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका मोशन जो होगा, मान लो ये कंटेनर में रखा हुआ है, तो इनका मोशन जो है वो बढ़ जाएगा, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे में क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड करेंगे, और जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे एक दूसरे से उतना ही अधिक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा ये कोलाइड करेंगे उतना ही अधिक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये बात आपका यहां से निकल कर, तो एक अंदाज लगाया गया और एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था कि जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कीजिएगा तो या तो 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा या फिर 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये 2 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है या 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, इच इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समझ रहे हो बात को, कि अगर आप रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ाओगे तो या तो वो दोगुनी रफ्तार से यानी 2 टाइम्स रेट उसका इंक्रीज कर जाएगा या फिर 3 टाइम्स उसका रेट इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा देखने को मिला। अप्रॉक्स में बताया कि अप्रॉक्स में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी को हम लोग यहां से क्लियर करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट के हेल्प से। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर टी एंड टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। समझना कि अगर रेट इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन,
यही होता है ना, एन इज द ऑर्डर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड के इज रेट कॉन्स्टेंट। तो जिस रेट के साथ या फिर जो चेंज रेट में दिखेगा वही चेंज यहाँ रेट कॉन्स्टेंट में दिखेगा। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो अगर रेट टू टाइम हो गया तो रेट कॉन्स्टेंट जो होगा वो भी टू टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीज देखने को मिला, क्लियर। तो जब रेट के बारे में बात करें तो रेट कॉन्स्टेंट को भी रिलेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बताता है? तो ये बताता है कि रेशियो को रेट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बाय रेट कॉन्स्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, इसकी बात करता है। समझ में आ रहा? ओके, मान लो ये क्या कह रहा, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर कितना के एट 15 डिग्री सेल्सियस बाय के एट 15 डिग्री सेल्सियस है ना, 15 डिग्री सेल्सियस बाय के एट 5 डिग्री सेल्सियस, इसकी बात करता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू समझना, जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 2 आए या 3 आए, अगर 2 आया तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो रेट है वो रेट डबल हो जा रहा, और अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 3 आए मतलब समझना कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्रिपल हो जा रहा है। ओके, तो अब समझते हैं इसको एक क्वेश्चन लेकर के कि आखिर इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। मान लो अपने पास क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2। ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना बोल दिया, 2 है। इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री सेल्सियस इज ए, क्लियर, अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, ए है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रेट एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पर रेट कितना हो जाएगा। ओके, आपसे क्या बोला कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 2 है, मतलब जब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा, ये कहता है। तो बोल रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है वो ए है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा। तो आइए बनाए हम, देखिए हम कॉलम बना लिए टेम्परेचर और रेट का, सॉरी एक्स हम ले लिए, वहां ए दिया हुआ था, एक्स कर लीजिएगा उसको। ओके, तो देखिए मान लीजिए रेट एक्स था, 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, एक्स था, तो 20, जब 10 डिग्री बढ़ा तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। फिर 10 डिग्री बढ़ा 30 डिग्री, तो 30 पे कितना हो जाएगा, 10 डिग्री यहाँ से बढ़ा तो इसका डबल हो जाएगा यानी 4x। फिर 10 डिग्री यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ 10 डिग्री 40 हुआ तो फिर यहाँ डबल हो जाएगा 8x। फिर 10 डिग्री बढ़ा 50 तो यहाँ डबल हो जाएगा 16x। फिर 10 डिग्री बढ़ा 60 तो फिर यहाँ डबल हो जाएगा 32। फिर 10 डिग्री बढ़ा 70 फिर यहाँ से डबल हो जाएगा। फिर 80 पे गया तो फिर यहाँ से डबल हो जाएगा, यानी 128x हो जाएगा। ओके, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे रेट कितना हो जाएगा, 128x। अगर रेट को x सपोज किए हो तब, माने तो a अगर माने हो तो 128 a लिखोगे। ओके, तो रेट जो है 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना पहुंच जाएगा, 128x या 128 a कह सकते हो, क्वेश्चन में a दिया हुआ था तो a लिख सकते हो यहाँ। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलिए अब आगे, ये तो एप्रोक्स चेंज हुआ, हम लोग एप्रोक्स चेंज का बात कर लिए, अब हम लोगों को बात करने की जरूरत है डिफिनिट चेंज की, एक्यूरेट चेंज की, कि एक्यूरेट चेंज क्या होगा,
या डेफिनेट चेंज क्या होगा। ओके, तो आइए देखें, बात करें। डेफिनेट चेंज को बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताता है? तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच के रिलेशन को बताता है। और इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन दिया के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई ए बाई आर टी। ओके, इन्होंने ये इक्वेशन दिया। इस इक्वेशन में के जो है आपका रेट कांस्टेंट है, ए यहां पर जो ए यूज किया जा रहा है, ए क्या है? ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या इसको आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। चूंकि ई एक एक्सपोनेंट है तो इसके आगे आने वाला जो होगा वो प्री एक्सपोनेंशियल कहलाएगा, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हो आप इसको। ओके, अब देखो ई ए, ई ए क्या है आपका? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? तो गैस लॉग कांस्टेंट। और टी क्या है? तो टेम्परेचर। ओके, टी क्या है? तो टेम्परेचर। क्लियर है बात? तो ये इन्होंने इक्वेशन दिया और इस इक्वेशन से हम लोग रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ। अब एक्चुअल रिलेशन क्या है के और टी के बीच, उसको हम लोग जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आप रिलेशन को सही मायने में समझ पाओगे। ओके, तो फिलहाल आगे बढ़े हम लोग, देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो है। अब चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसमें आ चुका था तो हम लोगों को जानने का जरूरत था कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। ओके, और ये कहां से आया और इसकी जरूरत क्या है। ओके, इसको, इस एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है, इसकी जरूरत क्या है। ओके, तो आइए इसको समझते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ बनाए हम लोग यहां पर, दो तरह का रिएक्शन होता है, कि इंडोथर्मिक होता है, कि एक्जोथर्मिक। तो पहले एक्जोथर्मिक के लिए बात की हम, तो एक्जोथर्मिक में हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट का जो एनर्जी होता है वो प्रोडक्ट से ग्रेटर होता है। तो एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके, तो एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में हम लोग यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ किए हैं। तो बात करें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी का, तो रिएक्टेंट का एनर्जी जो होता है वो कम होता है, जो कि यहां पर हम शो किए, और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है एक्सोथर्मिक में, तो प्रोडक्ट का एनर्जी यहां पर। अब एक ग्राफ हम ड्रॉ किए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ, देख सकते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा। अब देखो यहां तक मेरा क्या हो रहा था, रिएक्टेंट चढ़ रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। ओके, तो एक यहां पर जो है, यहां पर सबसे ग्रेटर एनर्जी, हायर एनर्जी, और यहां पर पहुंचने के बाद जो मेरा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ओके, तो ये जो ग्रेटर पॉइंट है जहां पर एनर्जी है, ये एनर्जी सबसे ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, इसको हम लोग एनर्जी बैरियर कहते हैं, इसको एनर्जी बैरियर कहते हैं। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को यहां दिखा दिए। और यहां पर एक और बात करें हम लोग, कि यहां पर पहुंचने के बाद मेरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, यहां पर पहुंचने के बाद। तो था कितना इसका एनर्जी, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का एनर्जी इतना था, रिएक्टेंट का एनर्जी इतना था। ओके,
और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसको इस एनर्जी को अचीव करना था, लेकिन इसके पास था इतना ही एनर्जी था इसके पास, रिएक्टेंट के पास यही एनर्जी था, ई आर से लिख दिया हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन इसको चाहिए इतना एनर्जी। ओके, तो वह मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिसको अचीव करके रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे थ्रीसोल्ड एनर्जी, ईटी, थ्रीसोल्ड एनर्जी। यानी यहाँ से ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रीसोल्ड एनर्जी। वह रिक्वायर्ड एनर्जी जिसको अचीव करने के बाद रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा, यानी रिएक्शन हो जा रहा मेरा, उसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थ्रीसोल्ड एनर्जी। ओके, हाँ, और अब देखो थ्रीसोल्ड एनर्जी को पाने के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट को जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा ताकि वो थ्रीसोल्ड एनर्जी वाले लेवल को अचीव कर सके, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो यहाँ 10 था, ये एनर्जी कितना था इसका, 10 था रिएक्टेंट का, और यहाँ पर ये थ्रीसोल्ड एनर्जी था कितना, 50। ओके, तो 50 पे पहुँचना था रिएक्टेंट को, लेकिन इसके पास था कितना, 10। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना, 10, और एनर्जी थ्रीसोल्ड एनर्जी कितना, 50। तो इस थ्रीसोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए एनर्जी रिएक्टेंट को कितना चाहिए था, 40 चाहिए होगा ताकि ये 50 पर पहुंच जाए। तो ये जो 40 एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड किया जाएगा रिएक्टेंट में, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हो बात को, क्लियर है? तो अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल रहे हैं तो क्या करें, थ्रीसोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को कर दें तो अपना एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। समझ गए बात को, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ओके, तो आइए, ये तो हो गया आपका किसके लिए, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ग्रेटर एनर्जी सबसे मैक्सिमम एनर्जी है, इसको हम लोग एनर्जी बैरियर कहते हैं। ओके, चलिए अब है इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो ग्राफ, तो एनर्जी और नीचे में क्या है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक में रिएक्टेंट का एनर्जी स्मॉल और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए, तो एनर्जी और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो गैप होगा उसको क्या लिख दिए, डेल्टा एच लिख दिए। ओके, और ये पूरा थ्रीसोल्ड एनर्जी यहाँ तक, ये पूरा एक्सिस से ऊपर तक यहाँ तक, ये थ्रीसोल्ड एनर्जी हो गया। और जो ई आर यानी रिएक्टेंट और इनके बीच में जो गैप है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गया, समझ गए बात को। चलिए तो अब आगे हम लोग बात करें, यहाँ पर एक आर्हेनियस थ्योरी आपको जानना होता है। ये क्या कहता है आर्हेनियस थ्योरी, तो आइए जाने आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है और इसका जानने, इसको जानने का जरूरत क्यों है हम लोगों को। तो देखिए आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विच इज अनस्टेबल एंड ब्रेक्स अप टू फॉर्म द प्रोडक्ट, द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, यहाँ समझना क्या है, ये क्या बोल रहा, इसका मीनिंग ये है कि जब कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो एक परफेक्ट कोलिजन होने के बाद, एक इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद
क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो कि ए बी, सॉरी, ए बी प्लस सी डी टकराया। ओके, तो जब ये टकराए तो क्या हो गया कि एक यहां पर बना ए बी सी डी, ये कॉम्प्लेक्स बना। ओके, और फिर उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गए, तो ए सी प्लस बी डी में। तो इसी को यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा। ओके, इसी को इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा, जो कि काफी अनस्टेबल है। और उसके बाद क्या हो जा रहा कि अनस्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना उसके लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। ओके, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी इसी को कहते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड पोजेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। ओके, वह मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगा। ओके, जिससे क्या हो जाए कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो और कोलिजन होने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो उसी को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। फिर उसके बाद एनर्जी बैरियर की बात किए थे हम लोग। तो एनर्जी बैरियर क्या है आपका? तो एनर्जी लेवल एट विच रिएक्टेंट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट बाय क्रॉसिंग इट। ओके, एक एनर्जी लेवल है, एक बैरियर है जिस पर क्या है कि जिसको क्रॉस करने के बाद आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग एनर्जी बैरियर कह रहे हैं। अब आगे बात करें हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ आरहेनियस इक्वेशन का। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ आरहेनियस इक्वेशन क्या है? तो फ्रॉम आरहेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो टेकिंग लैन बोथ साइड। ओके, यानी नेचुरल लॉग बोथ साइड। तो लैन के इक्वल टू लैन ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो लैन के इक्वल टू लैन ए माइनस ई ए बाई आर टी लैन ई। लैन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आगे बात करें हम लोग, तो लैन के इक्वल टू लैन ए माइनस ई ए बाई आर टी। अब नेचुरल लॉग जो होता है यानी लैन जो होता है वो होता है लॉग बेस टू द पावर ई या फिर 2.303 log base 10। log base 10 इसके इक्वल होता है। तो हम लोग लैन को लॉग में लिख दें यहाँ पर 2.303 log base 10 के, 2.303 log base 10 ए माइनस ई ए बाई आर टी। यानी इसको थोड़ा अरेंज करके अगर हम लोग लिख दें तो लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दिए। ओके, तो ये एक इक्वेशन। तो यहाँ पर अपने पास दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों को ग्राफ जानने की ज़रूरत होगी, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल इस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है और उसके बाद कि अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग हो जाता है, तो उसको भी जानने की ज़रूरत होगी। एक ही केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर मेजर करेंगे तो उनके रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू
अलग अलग होगा, जिसको हम लोग कोइफिशियंट टेम्परेचर कोइफिशियंट के थ्रू भी देख चुके हैं। तो आइए देखें दो अलग अलग टेम्परेचर पर। तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, एट T1 टेम्परेचर लॉग K1 इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT1 प्लस लॉग ए, और T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, लॉग K2 माइनस EA बाई 2.303 RT2 प्लस लॉग ए। तो अब क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लॉग K2 माइनस K1 इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT, ओके RT2 प्लस, ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो EA बाई 2.303 RT1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग K2 बाई K1, और यहाँ पे EA 2.303 R कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये अपना एक इक्वेशन आ गया जिसको आप अलग अलग टेम्परेचर के लिए वर्क करा सकते हैं। और इससे लास्ट में यहाँ पर जो इक्वेशन आया था, ये आया था डायरेक्ट रिलेशन, ओके किसके किसके बीच का रिलेशन है, तो यहाँ पर आप देखो तो के और टेम्परेचर, तो कैसा कैसे यहाँ पर है दोनों के बीच का रिलेशन, तो आप यहाँ पर रिलेशन देखोगे तो टेम्परेचर और के का बीच का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, निगेटिव है ना, और ये बाई है, तो निगेटिव में जितना घटेगा उतना बढ़ेगा वैल्यू, ओके तो इस वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ आरहेनियस इक्वेशन को देख सकते हो। अब आगे जो है वो है आपका एक क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे, और इसको हम लोग अगले क्लास में अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके रखेंगे। ओके थैंक यू।